न्यायालय के आदेश की उड़ी धज्जियां, अगर पेड़ की डाल नहीं काटी तो मैं तुझे काट डालूंगा। जी हाँ, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि जनपद सिद्धार्थ नगर के थाना भवानीगंज में तैनात सिपाही के हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कानून का राज होने का बयान आए दिन देते रहते हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। यहाँ अदालत के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया जाता है, जहाँ पुलिस का एक सिपाही खून पर वादी को काट डालने की धमकी भी देता है। हेलो, हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार, कहाँ है? बीवा हूँ सर। बीवा चौरा हो क्या? बीवा क्या कर रहे हैं? ऐसे आया था यह काम से। नहीं भाई, तुहार काम हम आज कोई दे, ये नोट कर लो, तू इतना अति कह दे ला कि जगह कोई सीमा ना है तो कहे चौरसिया जी कमलेश जी भी कहे तो उसको काटवा दे, तो कर दे ले जा करके, उसके बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं कहा तुम्हारे पीछे पीछे कहो तो मैं खोजूं और तुम्हें। अब साहब, हम तो कहे थे कि भाई वो लोग काट दिए, हम दोनों नहीं तुम्हें ऐतराज ना, वो नहीं काटने जाएंगे, तुम आ करके मैं यहाँ से लेबर ले जाओ मेरा काटेगा लो उसके लकड़ी, नहीं तो तुम्हें मैं काट दूंगा, बता दे रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। अब तुम और भी कर दिए। हेलो, हाँ अच्छा, वो लोग हम खड़ा रहे थे भाई, नहीं, नहीं, काम नहीं, मैं लेबर दे रहा हूँ, तुमने काटो ना वो काटे, मैं लेबर दे रहा हूँ, तुम लेबर काटने वाले, और तुम्हारे आनंद कभी बोले थे तुमको लेने के लिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेबर तुमको हम लेने के लिए आ रहा हूँ, अभी इसी वक्त आ रहा हूँ, तुम बहुत देखता हूँ कहाँ तक ले जाते हो। हेलो, हाँ बता रहा हूँ, और कर दियो तुमने, लेबर कर दियो, अब तुम आते करते देखे कुछ दुनिया कौन बचा लेता है। लेबरवा आप भेजा जाए, कहाँ मिली ये काम? मेरे हाथ तुमको 3 दिन से बुला रहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, फाड़ डालूंगा टंगली तेरी। हम हेलो बता दे रहा हूँ, हाँ ऐसा है साहब, अब आप तो कह रहे हैं कि मतलब लेबरवा जो है कहाँ मिली वो काम में बता दीजिए। मेरे यहाँ आओ, यहीं पर आओ, यहीं पर लकड़ी काटते हैं, उनको भेज दे रहा हूँ, लेकर करके उनकी मजदूरी दे दे। ठीक, तुम्हें चौरसिया जी में तुम जहाँ जहाँ गए कहाँ जाके लोगों ने जिस सिफारिश किया सभी लोग तुम्हें कहे, लेकिन तुमको समझ नहीं आ रहा है। हेलो, चौरसिया साहब तो बोले थे कि मतलब बुला लेता हूँ उनको भी, साथ में बात कर लेना। चौरसिया साहब से मेरी बात भाई है, मेरे पास सब कुछ, चौरसिया साहब से मेरी बात ये चौरसिया का वो डाल काट दे रहा हूँ, यहाँ डाल भर, बाकी अपना जो भी है फैसला पंचायत द्वारा करेंगे, सब कोई काम होगा। तुमसे उसी दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, तू समझ नहीं रहे हो, अब तुम्हारे लिए हुआ, बाकी जो हम वो दिन नहीं किए अब कर दे तेरे लिए। ठीक, अगर तुम नहीं आओगे अभी, अभी नहीं आओगे, नहीं ले जाओगे, नहीं करोगे, अगर बरसात हो गया उसके पानी भर गया तो बता दो, तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम किसी लायक रहोगे नहीं। ठीक है, ठीक आ रहे हो। पीड़ित प्रार्थना पत्र भी उच्च अधिकारियों को दे चुका है, मगर मजाल की सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। बता दें कि जनपद सिद्धार्थनगर के थाना भवानीगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम गरदहिया की मजरे गणेशपुर में एक जमीन का विवाद बरसों से चल रहा है, जिस पर न्यायालय का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी है, मगर पुलिसिया हनक से भरे सिपाही ने खाकी को न्यायालय से ऊपर मानकर उस जमीन पर खड़े आम के पेड़ की डालें काटने के लिए वादी को फोन पर धमकी भी दे डाली। ये सिपाही इतने गुस्से में था कि कसम भी खा लिया, साथ ही कहा कि अगर तुमने ये डाल नहीं कटवाई तो मैं तुझे काट डालूंगा। यही नहीं बल्कि पेड़ की डाल कटवा भी दी। जब वन विभाग के रेंजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पेड़ की डाल काटने का कोई परमिट जारी नहीं किया गया है। जब इस पर क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि आप इस प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक से बात करें, हम लोगों को बाइक देने का आदेश होगा तब हम देंगे। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जबकि उनकी छवि एक निष्ठावान और जुर्म के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने वाले अधिकारी की रही है। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए सिद्धार्थ नगर से ब्यूरो रिपोर्ट।